नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, स्टेडियम में खिलाड़ियों को घर भेज करके कुत्ता घुमाने वाले आईएएस कपल को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पे सवाल किए जा रहे हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही 19 करोड़ का कैश मिलता है जब आईएएस पूजा सिंगल के घर से, तो काफ़ी मलारत होती है उसकी। ये सब खबरें मैं आपसे क्यों बता रही हूँ, हर आईएएस हर आईपीएस का चेहरा एक जैसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि आईएएस कमिश्नर कीर्ति जल्ली जो एक मिसाल के तौर पे देखी जा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि सभी ऑफिसर एक जैसे नहीं होते हैं। असल में कीर्ति जल्ली असम के कछार जिले की डिप्टी कमिश्नर हैं। राइट नाउ बाढ़ प्रभावित इलाके में कीचड़ में घूम घूम करके पीड़ितों की मदद करते हुए उनकी तस्वीरें आजकल वायरल हो रही हैं। ये वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो एक कुत्ते को घुमाने को लेकर के एक कपल आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, और ऐसे में वो अपनी साड़ी को बांध करके थोड़ा सा उसको उठा करके कीचड़ में उतरी हुई हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। कभी वो नाव में सवार नजर आ रही हैं, तो कभी वो कीचड़ के अंदर अपनी साड़ी को थोड़ा सा उठा करके लोगों की मदद करती हुई नज़र आ रही हैं। और लोकल लोगों का कहना है कि बीते 50 वर्षों से वो इसी तरह से बाढ़ से परेशान होते आ रहे हैं। ऐसे में बतौर अधिकारी वो अपने काम को बहुत परफेक्टली कर रही हैं और इसी के लिए वो ग्राउंड पे उतरी हुई है। आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने उनकी एक फ़ोटो शेयर की है, आप जान रहे हैं काफ़ी उनका वो फोटो वायरल हो रहा है। वो उस फोटो में एक स्थानीय महिला के साथ खड़ी है और उनको देख करके मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैंने अभी आपको बताया पूजा सिंघल के बारे में कि वो कितनी शान शौकत वाली आईएएस ऑफिसर थी, और आप इनको देखिए कितनी सिंपल, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इतने हाई प्रोफाइल वाली अधिकारी हैं और वो कीचड़ में खड़ी है। जल्ली कहती हैं कि लोकल समस्याओं का आकलन करने के लिए निचले इलाकों का दौरा करना बहुत ज़रूरी है। यही बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर हमारे गांव अच्छे होंगे तो हमें अपने प्लानिंग्स बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। और जल्दी कहती हैं कि तभी सरकार को भविष्य के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले गांव की सुरक्षा और बेहतरी को लेकर के काम करना होगा ताकि भविष्य में फ्यूचर में नुकसान को कम किया जा सके। और कछार जिले के ज़्यादातर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस साल 291 गांव में और 16,30,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कछार में 11,200 घर हैं जो डैमेज हो गए हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 5,000 से ज़्यादा हेक्टेयर फसल जो है वो जलमग्न हो गई है, पानी से खराब हो गई है। कीर्ति जल्ली अपने काम को लेकर के बेहद सेंसिटिव है, बेहद समर्पित है। कोरोना के संकट के समय में उनकी शादी तय हो गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद की वजह से छुट्टी नहीं ली और उन्होंने अपने परिवार को ये कहा कि वो ऐसे में शादी का कैसे सोच सकती हैं, चूँकि शादी पहले से ही फिक्स थी। जल्ली ने अपने परिवार और दोस्तों से कहा कि वो अपनी शादी के लिए हैदराबाद नहीं जा सकेंगी, इसलिए आईएएस ने सिलचर में ही, यानी कि जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी वहीं पर बड़े ही सादे तरीके से अपनी शादी की। और शादी के बाद उनके पति आदित्य शशिकांत ने अपनी पत्नी की पोस्टिंग की जगह पर जाने का फैसला कर लिया। अपनी शादी के बाद वो कोरोना पेशेंट का हालचाल लेने पहुंच गई थी। उन्होंने अपने परिवार वालों को ये बताया था कि उन्हें कोविड पेशेंट की जिम्मेदारी दी गई है। हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के लिए आईसीयू वार्ड के निर्माण कार्य की
देख रेख उस समय वो कर रही थी, इसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई थी। ऐसे में वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती, ना ही वो छुट्टी ले सकती हैं। उस समय हॉस्पिटल में हर दिन, आप सबको बताया कि उस समय क्या हाल था हॉस्पिटल्स का, हर दिन हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे। ऐसे में छुट्टी लेकर के परिवार के साथ जाकर के सिलचर के बंगले में उन्होंने जो है अपनी शादी के लिए प्लान किया। उनके इस फैसले का उनके परिवार के लोगों ने भी सम्मान किया। जल्ली और शशिकांत की शादी सिंपल तरीके से हुई थी, जिसमें सिर्फ कर्नाटक का संगीत बज रहा था। इस शादी में कपल ने लाइट, टेंट कुछ भी नहीं लगवाए थे, सब चीज़ों से उन्होंने परहेज किया। शादी में बामुश्किल 15 मेहमान थे। इस शादी में जल्ली की तरफ से सिर्फ उनकी बहन थी और उनके माता पिता का रिपोर्ट चूँकि उस समय कोविड की वजह से पॉजिटिव आया था और वो अपना इलाज करा रहे थे। परिवार के 800 लोग जूम कॉल के जरिए उनकी शादी में शामिल हुए थे। ये सबसे खास बात है कि उस समय उनकी शादी को लोगों ने जूम के जरिए इंजॉय किया। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि किन किन वजहों से अक्सर हमारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर चर्चाओं में आ जाते हैं, जैसे कि कुत्ते की वजह से, कुत्ते को स्टेडियम में घुमाने की वजह से, और भी तमाम तरह चीज़ें इन दिनों सोशल मीडिया पे चल रही हैं। पुराने जो IPS या IAS अधिकारी हैं उनके कारनामों को लेकर के बात हो रही है, लेकिन वहीं जल्ली की बात भी बहुत प्रमुखता से सोशल मीडिया पे चल रही है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।